नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सी जूती डिज़ाइन लाई हूँ, देखिए कितना खूबसूरत है। ये जूती 7 नंबर पैर के लिए है, ये 7 और 8 नंबर फुट साइज़ में आसानी से हो जाएगी। बनाना भी बहुत ही आसान है। इसे मैंने ऊपर से शुरू किया है और ये नीचे तक ऐसे गई है और यहाँ पर मैंने इसे जोड़ा है। अगर आप इसको छोटे में बनाना चाहते हो तो आगे मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना होगा। तो जूती बहुत ही खूबसूरत है, तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। इसे बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई पे 55 फंदे डाले हैं, 55 स्टिचेस। तो ये हमारा पहला लाइन है और सामने से, तो हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। इस तरह हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो पहली लाइन में हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और हम फिर सभी फंदों को उल्टा ही बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से भी हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब हम सामने की तरफ आ गए हैं और हमने इन 55 फंदों को 3 भागों में बांट लिया। दोनों साइड में 25-25 फंदे हैं और सेंटर में 5 फंदे हैं। तो हम इन 25 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ तक हमें जहाँ तक हमने ये मार्कर लगा है, यहाँ तक के सभी फंदों को हमें उल्टा बुन लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने मार्कर तक के सभी फंदों को उल्टा बुन लिया है। अब इस मार्कर को हम दूसरी सिलाई पे अब ले लेंगे। अब देखिए, ये बीच में 5 फंदे हैं, तो क्या करेंगे कि इस हमारा ऊन हमारी तरफ है, इसको ऐसे चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे और फिर उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंदे को बढ़ाया है, यहाँ पे हमने जाली दिया है, एक फंदा बढ़ गया। अब फिर हम ऊन घुमाकर सिलाई पर से वापस अपनी तरफ लाएंगे और इस फंदे को भी उल्टा बुन लेंगे। यानी इन 5 फंदों को बुनने से पहले हमें जाली देना है। तीसरा जाली हो गया, चौथा जाली हो गया और ये 5वां जाली हो गया। हमने देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 जाली बना दिया है, यानी 5 फंदे से अब ये 10 फंदे हो गए। अब इस मार्कर को हम दाहिनी सिलाई में ले लेंगे और शेष बचे हुए 25 फंदों को हम नॉर्मली उल्टा बुन लेंगे। तो हमने लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, तो रॉन्ग साइड में हमें सभी फंदों को उल्टा बुनना है। देखिए, हमने 5 फंदे बढ़ा दिए थे, 55 फंदे थे और 5 फंदे बढ़ गए, तो अब हो गए 60 फंदे। तो इन 60 फंदों को हमें उल्टा बुन लेना है। अब देखिए, इस जाली को हम दाहिनी सिलाई में ले लेंगे और इसे पीछे की तरफ कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमने जाली फंदे बढ़ाए थे, तो देखिए ऐसे हम इस जाली में ऐसे हम सिलाई डालेंगे, पर्ल वाइज उल्टा बुन लेंगे। इस फंदे को हमें उल्टा बुनना ही है। देखिए, जाली में हम ऐसे पर्ल वाइज डालेंगे और इसे उल्टा बुन लेंगे। ये हमारा घूमना नहीं चाहिए, ऐसे ही करके हम सभी फंदों को उल्टा बुनते चले जाएँगे। इस लाइन में हमारे 55 फंदे से 60 फंदे हो गए हैं। और जाली को मार्कर को हम बाईं लाइन में ले लेंगे, इसे ऐसे पीछे कर लेंगे, शेष फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। इस तरह हम अपना चौथा लाइन कंप्लीट कर लिए। तो इस तरह हमने अपना चौथा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम फिर आ जाते हैं सामने की तरफ, ये हमारा 5वां लाइन है। तो हम मार्कर तक के सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, मार्कर तक के सभी फंदों को हमने उल्टा बुन लिया, मार्कर को हम दूसरी सिलाई में ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमने जाली दिलना शुरू किया था, पहले 5 फंदे थे, अब यहाँ पे 10 फंदे हो गए हैं। तो प्रत्येक फंदे में हम जाली देंगे, क्या करेंगे, सिलाई में ऐसे लपेट के वापस अपनी तरफ लाएंगे, फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो इन 10 फंदों में हमें जाली दे के उल्टा बुनते हुए जाली देना है। देखिए जाली दिया, उल्टा बुन लिया, जाली दिया, उल्टा बुन लिया, जाली दिया, उल्टा बुन लिया। इसी तरह इन 10 फंदों को हम जाली देते हुए उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए मार्कर के पास हम आ गए हैं, तो अब मार्कर को हम दानी सिलाई में कर लेंगे, इसको ऐसे पीछे की तरफ कर लेंगे। अब शेष फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, रॉन्ग साइड से हमें सभी फंदों को उल्टा बुन लेना है, फंदे को बढ़ाना नहीं है, बस हमें नॉर्मली उल्टा बुन लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हम सीधी तरफ हैं और हमने उल्टा बुनते हुए देखिए मार्कर के पास पहुंच गए हैं। तो अब मार्कर को हम दाहिनी सिलाई में ले लेंगे। तो हमने 10 फंदों को जाली देते हुए उल्टा बुना था, तो ये 10 से 20 हो गए थे और ये हमारा 7वां लाइन है। देखिए तो अब हम इन 20 फंदों को जाली देते हुए उल्टा बुनेंगे, 20 थे, प्रत्येक फंदे में हम जाली देते हुए बुनेंगे, तो ये हो जाएंगे 40 फंदे। ये क्या करेंगे, ऐसे लपेटते हुए वापस अपनी ओर लाएंगे और फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो हमने एक जाली दे दिया, इसी तरह हम प्रत्येक फंदे को जाली देते हुए उल्टा बुनेंगे। तो हमारे पास 20 फंदे हैं और प्रत्येक फंदे में हम जाली डालेंगे, तो ये हो जाएंगे 40 फंदे। 5 फंदे से हमने जाली दे के 10 किया, फिर 10 से 20 और ये हो रहे हैं 20 से 40, यानी टोटल फंदे हो गए 90। टोटल फंदे हमारे हो जाएंगे 90। तो देखिए फ्रेंड, हमने 20 से 40 फंदे बना लिए। अब हम मार्कर को दूसरे सिलाई पे कर लेंगे और शेष फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से भी सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 8 लाइन कंप्लीट कर लिया, 55 फंदे से अब सिलाई पे 90 फंदे हो गए हैं और देखिए ये खूबसूरत सा ये पैटर्न बन के तैयार हो गया है, ये सुंदर सी जाली बन के तैयार हो गई है। तो अब क्या करेंगे कि सभी फंदों को, ये हमारा 9वां लाइन है, 9th रो है, इसमें हम सभी फंदों को सीधा बुन, अभी तक हम दोनों साइड से फंदों को उल्टा उल्टा बुन रहे थे, 9th रो में हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। अब इस मार्कर को हम हटा देंगे और सभी फंदों को सीधा बुनेंगे और 10वीं लाइन में सभी फंदों को उल्टा। तो ये 2 लाइन मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 10 लाइन कंप्लीट कर लिया और ये 11वां लाइन है, हम सामने की तरफ हैं। तो अब हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये हमने सीधा बुन लिया, इसे हम थोड़ा सा टाइट करेंगे। अब अगला फंदा ध्यान दीजिएगा, अब अगले फंदे को हमें बुनने से पहले देखिए ये 2 फंदे हैं, इनके बीच में ऐसे सिलाई डालना है और इसको हम ऐसे लपेट लेंगे, बीच में सिलाई डालेंगे, एक देखिए ये लूप बना लेंगे। ये देखिए हमने किसी फंदे में नहीं डाला है, ये देखिए दोनों के बीच में है। तो बीच में ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप लेंगे और अब हम इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट फंदे को हम देखिए, नेक्स्ट फंदे को अभी छोड़ देंगे, इसके बाद हम सिलाई डालेंगे, फंदे के बाद हम सिलाई डालेंगे और एक लूप ले लेंगे और अब इस फंदे को हम
सीधा बुनेंगे। नेक्स्ट फंदे को भी बुनने से पहले हम लूप लेंगे, इस फंदे के बाद हम सिलाई डालेंगे। देखिए इस फंदे और दूसरे फंदे के बीच में हम सिलाई डालेंगे, इसको हम इसमें लपेट ले रहे हैं, और फिर एक लूप निकालेंगे। फिर इस फंदे को हम से बैक साइड से सीधा बुनेंगे। नेक्स्ट फंदे को देखिए, हम बुनने से पहले एक लूप निकालेंगे, दो फंदों के बीच में हम सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे, और फिर इस फंदे को हम बैक साइड से सीधा बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक फंदे से दो दो फंदा बनता चला जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक फंदे को हमने दो बार बुना, एक बार ऐसे बाहर से और एक बार इस फंदे के बैक साइड से। एक बार फंदे के देखिए बाहर से सिलाई डाल के, और एक बार फंदे में बैक साइड से। तो देखिए ये दो दो के ग्रुप में फंदे बनते चले जा रहे हैं, और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं, पहले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। अब ऊन को दूसरी तरफ करेंगे, और देखिए फ्रेंड्स, हमने प्रत्येक फंदे में दो बार बुना है तो फंदे ज़्यादा हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे कि देखिए इस तरह हम सिलाई डालेंगे, ऐसे हम नीट वाइज सिलाई डालेंगे और दो का एक कर लेंगे, फिर ऐसे हम फ्रंट लूप से ही हम बुनेंगे और सभी फंदों को सीधा बुनते जाएंगे। दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और फ्रंट लूप से बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। हमने जैसे फंदे बढ़ाए थे वैसे ही फंदे घटा देंगे। अब देखिए दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए चले जाएंगे। अब हमारे फंदे फिर वापस दो से एक होते चले जा रहे हैं। देखिए ये हमारे फंदे दो दो के ग्रुप में बने हुए हैं, तो दोनों फंदों को हम एक साथ लेंगे और इस तरह फ्रंट लूप से बुनेंगे। जैसे हम सीधा बुनते हैं ऐसे फ्रंट लूप से बुनेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। देखिए खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जा रहा है। तो दो दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। दो फंदों को लिया, सीधा बुनते हुए दो का एक। तो हम इसे फ्रंट लूप से ही ऐसे, यानी कि इधर से हम सिलाई डाल के और तब सीधा बुनेंगे। बैक लूप यानी पीछे की तरफ से ऐसे सिलाई डाल के हम नहीं बुनेंगे, बल्कि अपनी तरफ से ऐसे सिलाई डालेंगे और तब इसे हम सीधा बुनेंगे। तो दो का एक करने से हमारे जितने फंदे थे सिलाई में वापस उतने ही फंदे रह जाएंगे, यानी हमारे सिलाई पे 90 फंदे थे और वापस 90 फंदे ही रह जाएंगे। तो मैं लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। ये फ्रेंड्स, हमने सभी फंदों को दो का एक कर दिया। अब ऊन अपनी ओर करेंगे, लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। अब हम सामने की तरफ आ गए, अब हमें इस कलर का काम नहीं है। अब देखिए मैंने इसमें तीन कलर लगाया है, आप चाहें तो एक ही कलर को तीन बार लगा सकते हैं। तो मैंने तीन कलर यूज़ किया है, इसलिए अब मैं इसे काट दूँगी। और अब हम अपने प्राइमरी कलर से, यानी पहले कलर से सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे।
और इस धागे को हम लपेटते जाएंगे तो ये खुलेगा नहीं और ये बंध जाएगा। अब हमें सभी फंदों को सीधा बुन लेना है। हम चार लाइन बुनेंगे। इस लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुन रहे हैं, रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। नेक्स्ट लाइन हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे और फिर अगली लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे, यानी सामने की तरफ से हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह हम चार लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो चार लाइन कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने चार लाइन कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हम अपना तीसरा कलर अटैच करेंगे और पहला फंदा हम तीसरे कलर के ऊन से सीधा बुनेंगे। अब अगला फंदा हमें बुनने से पहले एक लूप लेना है, दोनों फंदों के बीच में सिलाई डालेंगे, एक लूप लेंगे और अब फिर फंदे को बैक साइड से सीधा बुन लेंगे। फंदे को बुनने के पहले हम एक लूप लेंगे, लेकिन उसे हम इन दोनों फंदों के बीच से लेंगे। एक लूप निकाल लेंगे, एक लूप बनाएंगे और फिर इस फंदे को हम बैक साइड से सीधा बुनेंगे, यानी जैसे हमने इस डिज़ाइन को बनाया है वही वैसा ही हम इसी, यानी हम फिर अपने इस डिज़ाइन को रिपीट कर रहे हैं दूसरे कलर के वुल से। तो हमने डिज़ाइन बनाने के बाद चार लाइन बुना, प्लेन बुना, तो फिर हम इन छह लाइन को, यानी अब हम ये दो लाइन का डिज़ाइन बनाएंगे, फिर चार लाइन प्लेन बुनेंगे, फिर दो लाइन का डिज़ाइन बनाएंगे, फिर चार लाइन प्लेन बुनेंगे, यानी हम 12 लाइन और बनाएंगे। देखिए हमने ये तीन डिज़ाइन बनाया है, एक डिज़ाइन हमने बना लिया है, अब ये हम दूसरा डिज़ाइन बना रहे हैं, तो ये डिज़ाइन फिर चार लाइन, फिर दूसरा डिज़ाइन, फिर चार लाइन, यानी छः लाइन ये और छः लाइन ये, 12 लाइन बुन के मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने 12 लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे, सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे और पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। अब हम दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए 8 लाइन कंप्लीट करेंगे, जिससे चार उल्टे फंदों की धारियां आ जाएंगी। तो चार धारी कंप्लीट करने के बाद, यानी 8 लाइन दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनने के बाद, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये चार धारी तैयार हो गई है, यानी हमने 7 लाइन कंप्लीट कर लिया है और ये 8वां लाइन है और हम रॉन्ग साइड में हैं। तो हम अब इस लाइन में सभी फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। दो फंदों को लेंगे, उल्टा बुन लेंगे, अब फिर इस फंदे को हम 22 लाइन में चढ़ाएंगे और फिर दो फंदों को लेंगे और उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारे फंदे देखिए बाइंड ऑफ होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह करते हुए हम सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया। देखिए कितना सुंदर सा ये सीधे फंदों की धारी, देखिए कितनी सुंदर से आई है, कितना सफाई आया है। तो अब हम इस फंदे को ऐसे बड़ा करेंगे और इसके अंदर से हम गोले को निकाल लेंगे और इसे हम टाइट कर देंगे। अब हम धागे को थोड़ा सा लंबा काट लेंगे क्योंकि अब हमें सिलाई करनी है।
देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह बनके तैयार हुआ है। अब हम इसको ऐसे सामने की तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए, बैक साइड वाला हिस्सा अंदर की तरफ है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे। देखिए, ये जो हमारा धागा है, इसी से हम सिलाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सामने वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है। अब पहले हम इसको यहाँ पे एक दो बार सिल के पक्का कर लेंगे। और देखिए, जब ये उल्टे फंदों की धारियाँ गई हैं, इसी में हम ऐसे सुई डालेंगे, एक बार इस साइड में और एक बार इस साइड में, एक बार इस साइड में और एक बार दूसरी साइड में। एक बार इस साइड में और एक बार दूसरी साइड में। इस धागे के ऐसे अंदर से ले जाएंगे तो ये धागा भी हमारा फंस जाएगा। देखिए, हमारी ऐसे करने से ये धारी से धारी मिल जाता है और सिलाई का पता नहीं चलता है। और अब देखिए, यहाँ सीधा फंदा है तो एक सीधे फंदे में ऐसे डालिए, पूरे सीधे फंदे में, और यहाँ से सुई निकालेंगे। इसी तरह इस साइड भी। फिर देखिए, उल्टे फंदे की धारी आ गई, तो प्रत्येक फंदे में हम ऐसे निकालते जाएंगे, एक बार इस साइड से, एक बार इस साइड से। तो हमने ये बैक साइड की सिलाई कर दी। अब हमें तले की सिलाई करना है। तो देखिए, ये हमारे सीधे फंदे गए हैं, एक बार इस साइड से ऐसे सिलाई करेंगे और एक बार इधर से। जो हमारा ये सीधे फंदा गया है, तो इसके बाहरी ऐसे सिरे को हम ऐसे पकड़ेंगे, एक बार इस साइड में, एक बार इस साइड, और इसी तरह सिलते हुए हम यहाँ तक आएंगे। हम लगभग आधा सेंटीमीटर छोड़ के बाकी की सिलाई कर लेंगे। तो बाकी सिलाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब आधा सेंटीमीटर सिलना रह गया है। तो अब यहाँ पे हम राउंड मेथड से सिलाई करेंगे, यानी एक सिरे से सिलना शुरू करेंगे और दूसरे सिरे पे पहुँचेंगे। ऐसे जितने हमारे चेन हैं, प्रत्येक चेन में हम ऐसे सुई डालेंगे और निकालते जाएंगे। देखिए ऐसे। अब देखिए, सभी हमने फंदों में सुई घुमा लिया है। अब इसको ऐसे थोड़ा सा खींचेंगे, इससे क्या होगा कि यहाँ पे नोक नहीं निकलेगा, देखिए, और ये सुंदर सा बन जाएगा। अब इसको हम, ये जो छेद बन गया है छोटा सा, इसको हम ऐसे सिल के बंद कर देंगे। और अब सुई को इस साइड निकालेंगे अंदर की तरफ, सिल के थोड़ा सा अंदर ऐसे फंसाएंगे और इसे हम काट देंगे। देखिए, हमारी जूती बनके तैयार है। अब हम इसे पहना के दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जूती बनके तैयार है। देखिए कितना सुंदर सा ये चेन जो हमने जाली बनाई थी, देखिए कितना सुंदर सा फूल की तरह ये बनके तैयार हुआ है। तो जूती बनके तैयार है। आशा है आपको पसंद आया होगा। दोनों पैरों में ये एक ही जैसा बनेगा, बनाने में आसान और देखिए कितना खूबसूरत। तो फ्रेंड्स, जूती आपके सामने है। आशा है आपको पसंद आई होगी। तो यदि आपको मेरा ये जूती डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।